ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आपके घर में भी कई सारी परेशानियां जिनसे आप अभी लड़ रहे होंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, शारीरिक तौर पर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, वह किसी भी विषय वस्तु को लेकर आपके जीवन में परेशानियां हो सकती है। इन परेशानियों से लड़ने के लिए आप बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे उपयोग, उपाय, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में सही चीजें नहीं हो पाती। बहुत से जातकों को शनि की पीड़ाएं, शनि से तकलीफें होती है। बहुत से जातकों को शुक्र की संबंधित, बुध से संबंधित पीड़ाएं होती है। तो वो पीड़ाओं को खत्म करने के लिए लौंग अगर आप दीपक में डालकर जलाने के तरीके को समझ लेंगे, यहां से एक बात को समझ ले बहुत विस्तार पूर्व से कि अगर इस तरीके को आपने समझ लिया, कब करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, किन लोगों को करना है, महिलाओं को करना है या नहीं करना है, पुरुषों को करना है नहीं करना है, किस तरह से करना है, किस उम्र के लोगों को करना है, ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। और साथ ही साथ इस चमत्कारी प्रयोग को करने से आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, उन बदलाव को भी आप कैसे मेजर करेंगे, कैसे जानेंगे, यह भी आप इस वीडियो में समझ लेंगे बहुत आसानी से। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखिए। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला और मूल बात है कि जब किसी भी जातक को शनि से संबंधित पीड़ाएं हो रही है, शनि से संबंधित पीड़ाओं को आप अपनी कुंडली के बारे में नहीं जानते, तो खुद ये बात समझ ले कि बार बार अगर आर्थिक हानि हो रही है, बार बार आपको चोटिल हो रहे हैं, आपकी बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में शनि तकलीफ दे विषय में है। जब भी शनि इस पीड़ाओं से अगर आप वर्तमान में जूझ रहे हैं, तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना है और उसमें 3 लौंग डालकर आपको दीपक लगाना है। ऐसा आपको 5 शनिवार तो नियमित रूप से करना ही है, 5 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन अवश्य रूप से कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग है कि जो राहु से संबंधित पीड़ाओं से तकलीफ में है, मान लीजिए राहु को लेकर बहुत तकलीफ है, पीड़ा है और जीवन बहुत नेगेटिव वे में जा रहा है, ऐसे लोग अपने मुख्य दरवाजे पर शाम के समय हर बुधवार के दिन 5 बुधवार आपको लौंग में दीपक लगाना है। वो सरसों के तेल में अपने शुद्ध घी में लगा सकते हैं या अपने सामान्य तेल से भी लगा सकते हैं। तीसरा प्रयोग है कि जिन जातकों को विवाह और शादी में बहुत तकलीफें हो रही है, तो वो जातक तुलसी माता के पेड़ के नीचे, तुलसी माता के नीचे दीपक लगाएंगे सरसों का तेल और हल्दी की गांठ डालकर। हल्दी की गांठ डालकर जब दीपक आप लगाएंगे तो इससे बहुत बहुत आपको फायदा होगा। इन प्रयोगों को करने से आपके जीवन में शुक्र, शनि, राहु, इन सभी से संबंधित तकलीफें, इनसे आप अगर बचना चाहते हैं, तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन भी आप हनुमान जी महाराज के यहाँ पर यह दीपक लगाएं। इस तरह का दीपक लगाकर अपनी जो भी मनोकामना ईश्वर से मांगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी और आपके जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखे। चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते, उसका फीस शुल्क लागू है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।